नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आज चकुटा साइट पे, सुबह ही आ चुका हूँ यहाँ पे, और वर्करों का वेट कर रहे हैं। हमारा आज लेंटर यहाँ पे डलने वाला है, सारी इसकी तैयारी कर दी है। इस पर जाल वाल जो भी है, सरिया है, सब कुछ बिछा दिया है। तो लेंटर की तैयारी आज होगी और लेंटर यहाँ पर डलेगा। तो खूबसूरत व्यू आ रहा है अभी सुबह के टाइम में चकुटा साइट से, आप देख सकते हैं। बढ़िया व्यू देखने के लिए मिला है, बढ़िया धूप आ रही है, 3-4 दिन से काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, बढ़िया मस्त माहौल लग रहा है। तो वर्कर आ जाते हैं, फिर वेट करते हैं उनका, उसके बाद चलेंगे आगे। हमारा जाल भी रेडी है और अब इंतज़ार है मिक्सर मशीन का, तो उसके बाद लेंटर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुझे और अमित भाई को जाना है अभी मजेड़ा साइड के लिए, थोड़ा वहाँ भी वर्करों को काम समझा के आते हैं, फिर वापस यहीं आएंगे तो लेंटर डलेगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी मजेड़ा साइड पे, यहाँ भी थोड़ा काम इनको समझाते हैं। हमारी दीवार भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एक साइड, तो थोड़ा बहुत इनको काम समझाते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम चकुटा साइड पे, क्योंकि वहाँ डलने वाला है आज लेंटर। मौसम काफ़ी बढ़िया हुआ है, काफ़ी बढ़िया साथ दे रहा है मौसम। ये देखिए नीचे रिटेनिंग वॉल हमारी लगभग कम्प्लीट हो चुकी है पूरी। ये देखिए बढ़िया रिटेनिंग वॉल बन चुकी है और पत्थर भी आया हुआ है थोड़ा बहुत, कल आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा बहुत पत्थर भी आ गया है और बाकी तो रिटेनिंग वॉल वाली कंप्लीट ही हो चुकी है। अब इस वाले कोने में जो खड़ी रिटेनिंग वॉल है ये बनाई जाएगी। फ्रेंड मैं आ चुका हूँ नीचे प्लॉट पे और ये देखिए हमारा रिटेनिंग वॉल कम्प्लीट हो चुकी है फ्रंट साइड की। अब ये वाला बगल में इसका पार्ट, इसे चिनाई होगी। मैं अभी चलूँगा नीचे और फ्रंट से आपको रिटेनिंग वॉल की लुक दिखाता हूँ, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए फ्रंट, फ्रंट से देखने में कुछ इस प्रकार की लुक आ रही है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो थोड़ा बहुत इनको काम समझाते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर से निकलेंगे चकुटा साइड पे, क्योंकि वहाँ पे डलने वाला है आज लेंटर। और रिटेनिंग वॉल कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम फिर से चकुटा साइड पर आ चुके हैं और यहाँ पर लेंटर की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। मिक्सर मशीन अभी आई नहीं, पता नहीं कहाँ क्या हो गया है, वेट कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटा हो गया, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। हम 8 बजे से यहाँ पर आए हुए थे, देखते हैं और कितनी देर में यहाँ पर पहुँच पाती है। पता नहीं कुछ इशू हो गया होगा तो उसी चक्कर में लेट हो रही है, तो कार्रवाई तो हमारी पूरी है। तो फाइनली दोस्तों हमारी मिक्सर मशीन आ चुकी है, तो थोड़ा सा रह गया है, अब ये स्टार्ट करते हैं इसको और शुरुआत करते हैं। काफ़ी देर होगी, लगभग 11-11:30 बजे मिक्सर आ रही है, अभी 8 बजे से हम वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा फंस गई थी कहीं पर, तो आ तो चुकी है, लेंटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों मिक्सर मशीन स्टार्ट कर ली है और माल उस पर डाला जा रहा है, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कितना समय लग पाता है और कितने गट्टू का यहाँ पे लेंटर डलता है। तो सारी तैयारी तो शुरू हो चुकी है और समय हो रहा है अभी दोपहर के 11-11:30 बजे का और मस्त तो व्यू जा रहे हैं, काफ़ी खुला हुआ व्यू देखने को मिल रहा है, बादल है नहीं आसमान में। तो देखते हैं कितनी देर और लगती है। तो फाइनली दोस्तों कार्य हमारा स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी मिक्सर मशीन आने में ही लेट होगी, वरना अभी तक तो आधे से ज़्यादा लेंटर हो जाता या आधा लगभग डल जाता लेंटर। मैं आ गया हूँ ऊपर और ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए शुरुआत तो हो चुकी है। अब देखेंगे हमारा और इस पे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों लगभग 1 बजे का अभी समय हो रहा है और आधा लेंटर अभी तक डल चुका है और अभी इस पे चलाया जा रहा है वाइब्रेटर, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और वाइब्रेटर क्यों ज़रूरी होता है ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से वाइब्रेटर देखिए मसाले को मिक्स कर रहा है। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आधा लेंटर लगभग डल चुका है और अब सभी लोग यहाँ पे लंच करेंगे और हमने भी घर से लंच मंगा दिया है, दीपक भाई गया हुआ है। और ऊपर देखिए इतना लगभग लेंटर अभी डल चुका है और लंच करके फिर से स्टार्ट होगा काम और लगभग लगता है 4-5 बजे तक लेंटर डल जाएगा, क्योंकि सुबह देर हो गई थी हमें। फ्रेंड लंच के बाद फिर से काम स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा सा रह गया है लेंटर, आधे से ज़्यादा हो चुका है। मैं ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा कितना यहाँ पे रह गया। अभी हमने भी खाना यहीं खा लिया था और यहीं खाना दीपक भाई वाले लेके आया था, सभी ने खाना खा के फिर दोबारा लंच बाद शुरू हो चुके। व्यू देखिए दोपहर के समय में मस्त क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है। मैं चलता हूँ ऊपर और ऊपर से आपको दिखाता हूँ लेंटर। फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 4 और देखिए लास्ट कोना रहा है लेंटर का। सुबह अगर
जल्दी मिक्सर मशीन आई रहती तो अभी तक लेंटर हो जाता पूरा फिनिश। तो काम जारी है, लगभग आधा घंटा लग रहा है मेरे को और यहाँ पर समय लगेगा क्योंकि ये वाला कोना रह गया है। बाकी कार्य आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखिए लास्ट कोना है, तो लगभग इतना छोटा सा रह गया हमारा, बाकी तो कंप्लीट हो ही चुका है आप देख रहे होंगे। समय हो रहा है अभी 3:46, तो थोड़ा टाइम और लगता है फिर कंप्लीट हो जाता है। और लेंटर कैसा लगा आपको, ऊपर सफाई कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस लास्ट एक कट्टे का मसाला यहाँ पर बन रहा है और मस्त व्यू आ रहा है अभी शाम के समय में। तो फाइनली दोस्तों हमारी मेहनत सफल हुई और लेंटर हमारा लगभग पूरा हो ही जाता है। छोटा ही लेंटर था लेकिन हम तो सोच रहे थे कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब होना होता है तभी हो पाता है। सुबह एक तो मिक्सर मशीन आई नहीं, फिर भी सभी ने अच्छा कार्य, सभी ने अच्छी मेहनत करी और उसका फल है ये देखिए, कंप्लीट हो गया है लेंटर। मैं लास्ट में दिखाऊँगा आपको, ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक जो हमारे लेंटर की, जो पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हैं और लेंटर का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। जो भी अब हमारा सीमेंट बच गया है नीचे, रेता इधर उधर फैली हुई है तो उसको संभाला जा रहा है और काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है अभी शाम के समय में। और दिन भर कैसा कार्य रहा, किस प्रकार हमने यहाँ पर मेहनत की, ये सब आप जानते ही हैं। अगर आप भी मुक्तेश्वर एरिया में काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, शाम के 5:30 का अभी समय हो रहा है और घर पे पहुँचते देखिए काफ़ी शांति महसूस हो रही है। और सामने नज़ारा देखिए, क्या बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं अभी शाम के समय में। सनसेट हो चुका है और शांति काफ़ी है अभी। आपने हाइपरलाइफ देखा होगा और हाइपरलाइफ आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। और नीचे देखिए घर पे जो काम हुआ, भाई लोगों ने रास्ता ठीक किया हुआ है, जो हमारे सामने में नौला जाने वाला रास्ता था, ये देखिए पूरा रास्ता सही कर दिया। आगे कट्टों में भर के दीवार लगा दी मिट्टी भर के, और आगे नौले जाने के लिए अब सही रास्ता हो गया, नहीं तो ये पूरा टूट गया था, लैंडस्लाइड से पूरा गिर गया था। तो सभी खेत लगभग रिपेयर कर लिए हैं अब, और तैयारी चलेगी अब आलू लगाने की। और ऊपर को जो हो रहा है, ऊपर को हो रहा है मटर वटर लगा रखे और गेहूं वगैरह बो रखे हैं। काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है दोस्तों अभी शाम के समय, और सामने क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। फाइनली दोस्तों पहाड़ों पर पूरी तरह शाम हो चुकी है, सभी ने अपनी लाइट जला दी है देखिए। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय।